बड़े जोर से। कोशिश ये करना कि मुझे भी अपने साथ में रखना कहीं भी जाओ तो। अरे तो हम तो आपके साथ हैं, आप ले जाओगे हमें अपने साथ तो इस बार आपके लिए बिन सर का प्लान करते हैं डिसाइड। नाम है तेरे दादी का मेरे गांव के है तेरी दादी। बोलो सुरेश देवी मिस यू। बोलो दादी सुरेश देवी मिस यू मिस यू। बाकी आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इतने सारे लोग मिले और उनमें से सब मुझे जानते थे, ये मुझे ज्यादा खुशी हुई कि मस्त है। अच्छा दीदे तो हम दोनों कोशिश कर रहे हैं जहाँ भी जाए हम दोनों साथ में जाए। जय माँ भगवती दगड़ियो, कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं राधा उनके घर से। तो अभी हमारी तैयारी हो रही है लक्ष्मेश्वर शिवालय में जाने की। तो जो हमारे यहाँ के थोड़ा पास में बुंगीदार गाँव उसके नीचे है लक्ष्मेश्वर शिवालय, तो वहाँ जाने की। तो कल से वहाँ भागवत प्रारंभ है और आज वहाँ है कलश यात्रा। तो अभी हम लोग कलश यात्रा में जा रहे हैं और हमारे घर से तो मैं जा रही हूँ क्योंकि एक ने घर में भी रहना है, माँ ने गाय भैंसों को भी देखना है और घास भी है और बाकी दादी तो कहीं जाती नहीं है और पापा कल से चले गए वहाँ लक्ष्मेश्वर शिवालय में। तो अपने घर से मैं ही जा रही हूँ, बाकी यहाँ पे राधा उनके घर में मैं भाभी को रुकी हूँ, राधा की मम्मी को, और बाकी देखते हैं और कौन कौन आ रहा है। और मौसम आप लोग देख ही सकते हैं, कड़क धूप लगी। तो वहाँ जाना है हमें, हाँ वहाँ जाना है हमें इतनी दूर। तो ये रहा लक्ष्मेश्वर शिवालय, तो हर हर महादेव, और मंदिर के पीछे ही लगाया टेंट, तो यहीं पे श्रीमद् भागवत कथा होगी। तो बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है मंदिर, बाकी अंदर से दिखाते हैं। तो ये रहे हमारे भोलेनाथ और बाकी ये रहे सभी देवी देवता और ये रहे श्रीमद् भागवत गीता। तो भागवत गीता को अभी यहाँ पे रखा है। अरे नाना भाई जी खाना, क्या खाना थी
आवाज कम आ रही है। हरे हरे बोले नमः शिवाय। कोई बाली दे बिल्कुल साफ दिखे तो सक साफ दिखे तो सक बिल्कुल तो अभी यहाँ पे कलशों में जल भी भरा जा रहा है और साथ में दूध को भी डाला जा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी सभी लोग आ रहे हैं अपने अपने कलश में यहाँ पे जल भरेंगे और फिर उसके बाद मंदिर में चलेंगे। सारे लोग आ रखे और जितनी भी महिलाएं सभी ने पीले कपड़े पहन रखे, तो पीले कपड़े सबसे शुभ माने जाते हैं। बाकी कुछ कुछ लोगों के अलग अलग कपड़े, नहीं तो पूरे लोगों ने पीले ही पहन रखे, तो कुछ कुछ अलग भी होने ही चाहिए, नहीं तो पीले पीले में किसी ने पहचान में ही नहीं आना था। तो इतने सारे लोग आ रखे, तो अभी सभी लोग व्यास पीठ की परिक्रमा करेंगे और उसके बाद सभी लोग अपने अपने कलश को यहाँ पे आगे रख देंगे जहाँ पे फोटो वगैरह लगी। तो ये फोटो वगैरह यहाँ के जो बाबा माई जी है पहले की उनके हैं। तो यहाँ पे कच्ची हल्दी और जड़ी बूटियों को यहाँ पे कूट के रखा है सबको मिला के, और अभी हल्दी से कन्या के पाँव भी धोए जाएंगे और बाकी जितने भी व्यास जी के साथ ब्राह्मण लोग हैं उन सभी के पाँव इस हल्दी से धुले जाएंगे। तो जितने लोग कलश वगैरह लेके आए थे, मतलब जितने भी लोग हैं, अब ब्राह्मणों के हल्दी से पाँव धोएंगे और साथ में कन्या के भी, और सभी लोग हल्दी लगा रहे और हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो वैसे तो अभी काम का टाइम है, लेकिन फिर भी लोगों ने टाइम निकाल के इतने लोग इकट्ठा होके आए, तो इन सबको पूछते हैं। तो भाभी कैसा लग रहा है फिर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज काम धाम छोड़ के आ ही गया है, वही तो बहुत अच्छी बात है। आपने टाइम निकाला आज है, आपने टाइम निकाल ही लिया और बाबा सुन रोज आना, टाइम निकाल रोज, घास अब भी कटे घास अब कटे नहीं रहे एकदम के दिन सब दगड़ घास कटला। हाँ अभी केवल बाबा सुना ठीक है, घास नहीं कटना, अब रात कटे घास दिन हम नहीं कटे ठीक है दादी, रात कटे घास दिन मान भागवत सुना है दिन भर या भागवत सुन काटे घास काटे काटे ना, तभी दास सब टाइम निकाल के चमिक धमिक काच है असूजो मेला सब कुछ छोड़ छाड़ कर। बहुत बढ़िया बात जी, सब लोग आया जी। अरे एक अली और चल एक गोर भी तो देख चल पापा भी देखिए आज। अरे वो एक देखियो नीना गोल बलैडी गोर भी आ दिन भी सब आपका तो सुन गोर तुम लोग पुंगड़म छन्यू बांधिया तुम ली देख रहे हम गोर सात दिन तक पलटी हम मध्यम दूध तुम निकाल कोई बात नहीं, सात दिन तुम आते दिन मारियो सारी रात यू छनु ठीक से बोल दे तुम छन खाल कर दिया खाली जी बस तो बोल रहा हम गुरु लाने कल
लगड़ो फिर तुम दा और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों जो जाफर अपर खान छोड़ कर आज यहाँ है बिल्कुल आज मैं बार सही बोल बो भेजनी बड़ी मुश्किल तीन मौका है ना बहुत टाइम बाद है ये मौका है दादी मजा आड़ो खुश ठीक है मस्त बस बोल बाल एक दिन जरूर ठीक बोला तुम्हें दगड़े याद का नहीं अरे मैं भी हाँ तुम भी है तुम्हारे भटने तो याद कर ठीक है मेरी दादी के दोस्त मिल गए यहाँ पे तो क्या बोलना चाहोगे फिर मेरी दादी के लिए दादी बोल जरा मिल जाना हमको बोलो दादी मिस यू नहीं क्या बोलते हो तुम मेरी दादी का नाम पता है आपको मेरे को पता है सुरेश नाम है तेरे दादी का मेरे गांव के है तेरी दादी बोलो सुरेश देवी मिस यू बोलो दादी सुरेश देवी मिस यू और बाकी है भाभी आज तो दीदी चमक रही है हैं मामी अरे मामी यार शर्मा हो मत यार मामी आप शर्मा रहे हो यार अरे कहाँ शर्मा रहे हम आज तो मामी हमारे साथ जाएगी आज तुम्हारे साथ जाऊंगी मैं बुढ़को और घास काटने तो चलो फिर चलो मशीन लाओ ना मशीन से काटूंगी अरे मामी किसी मशीन से कम है ना मशीन मेरे हाथ टूट रखे नहीं नहीं डांस तो खूब कर रहे हो तुम मिल बाल डांस मिलता काई ये थोड़ा फूटा सीधा हो जाला अच्छा ढोल ना मोई नहीं बजाए हां अब बोलल भी कौन पर नचा हां बोल ठीक है हां बोल सब अच्छा और बाकी बॉडी कट गया घास ना ना अपनी कटे बस से मैं वही लगे सब मुझे नमस्ते तुम कटे वही कल के कटे अरे सात दिन पूरा भागो सुने आता जय घास नहीं कटे वालों इधर कमी हो ठीक है भागो सुने हां तो बहुत टाइम बाद आ रहा है ये टाइम है ना लक्ष्मीश्वर महादेव हर हर महादेव सब लोग आए आप लोग को देखना था कति टाइम बाद होनी है भागवत बहुत टाइम बाद कति साल हो आज 6 साल बाद 2018 या शायद इन में आ जाओ हां भंडे हो गया है ना बस तो इन दिन कभी कभी है नहीं है ना हां सब लोग आए आप लोग को देखना था नमस्कार सबको निमंत्रण बिल्कुल और खान पीना व्यवस्था बोर्ड कर करो अच्छा सब एक ही बस सब नीच रखे गए एक देखन हां वही तो गोर गार्डन छोड़ देनी है ना अच्छा जी पहली छोड़े तू एडवांस चलना चाहिए सबसे एडवांस तुम कटेगा चाची खास कटेगा ना बस बहुत बड़ी अब आराम से कथा सुनना अब खूब ठुमका मनी एक सब ले आए बिल्कुल आना कोशिश करो बाकी एक दिन माँ एक दिन हाँ तुम्हारा ठुमका रोज दादी के वही मजा आ रहा है हां वही तुम मछी तर रिकॉर्ड कर रहे तो अच्छी बिल्कुल मजा आ रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वही थे हां सांस काट कर लोग स्वास्थ्य वाला मस्त वाला व्यस्त वाला वही थे भागपति को कह ला ना तुम दया जी आज दवाया हम बोल बकह ला ना अरे ये खाया था घास नहीं कटल था मैं और कह दे नहीं पहल का तो सुने वा अरे तो तुम वक नहीं मनी ना ठुमका दिया यख मनी यख मनी ठुमका वो क्यों मनी ठीक है एक दिन पक्का ठीक है कथा सुनने के बाद अच्छा हाँ ठीक है और बाकी इधर हमारे गांव वाले शांत बैठ रखे हैं उनको उनको और की याद आ रही है क्या करें हमारी बेइज्जती हो रही है नहीं नहीं कोई बात नहीं हम तीन आ गए नाम के है ना वो लोग बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल ये लाइन हमारे गांव वालों के लिए है ना वो देख लेंगे हाँ वो सही बात है वो तो मैं भी बोलूंगी उनको गांव में जाके अभी वहाँ चलता है तो अभी टाइम दिन के 1 बज गए और पूजा वगैरह निपट गई है और अब सभी लोग खाने के लिए जा रहे हैं और जिस टाइम पे हम आए थे उस टाइम पे थोड़ा बहुत मतलब हमारे आने से पहले प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था बाकी जितनी भी पूजा वगैरह आज होनी थी वो हो गई और अभी सभी लोग खाने के चले गए और बाकी ये राम मंदिर और वहाँ वो रखिए खाने की व्यवस्था तो नदी पार करके खाने के लिए चलो तो कुछ लोग तो वहाँ बैठ गए और कुछ लोग अब जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं और पहले पेट पूजा फिर काम दूजा
और बाकी आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इतने सारे लोग मिले और उनमें से सब मुझे जानते थे, ये मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि ये लोग मुझे जानते थे, तब ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत लोग मुझे नाम से जानते हैं, कुछ लोग मुझे रिश्तों से जानते हैं, क्योंकि आसपास के गांव है तो तब कोई पापा के नाम से ऐसे जानते हैं, और जो ब्लॉग के नाम से जाते हैं उनकी मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे ब्लॉग के नाम से लोग जानते हैं, तो अच्छा लगा। ऐसी जगहों में जाने में थोड़ा अच्छा लगता है, बस दुख की बात है कि हमारे गाँव से बहुत कम लोग आए, तो हमारे गाँव वालों के लिए कि आप लोग नहीं आए मुझे भी बुरा लगा और बाकी आसपास के लोगों को भी बुरा लगा। वो भी बोल रहे थे कि तुम्हारे गाँव से केवल 3 लोग आ रहे, लेकिन कोई बात नहीं, अब कल से कथा सुनने डेली आना और हम देखते हैं, क्योंकि किसी दिन माँ आएगी और किसी दिन मैं, बाकी वो तो कल ही बताएंगे। अब खाने के लिए चलते और वहाँ चले गए लोग। यहाँ पे दाल चावल की व्यवस्था कर रखी और दादाजी यहाँ पे दाल चावल बना रहे हैं। दादाजी ठीक है, व्यस्त हो रहा क्यों, गर्मी हो गई दादाजी को? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी इधर भी काम पे, और चाचा जी यहाँ पे पूरियां तल रहे हैं। चाचा जी गोल गोल पूरी, गोल गोल, बिल्कुल गोल गोल मिलेगी तेरे को। टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी बनाती नहीं है। गिच बुन बता बोलो ना कि गोल गोल बने, गोल 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 तो बनना। और बाकी इधर बेलने वालों की गलती होगी अगर पूरी खराब होगी, गोल गोल ची ना। तो यहाँ पे भैया लोग बना रहे पूरी, भैया टेढ़ी मेढ़ी नहीं उड़ चंदी पूरी। यहाँ यहाँ पे ताई जी लोग सबसे पहले बैठ गए खाने के लिए। अच्छा अच्छा नहर ताई जी वाला है, तभी तो सबसे पहले बैठ गए खाने। हाँ तुम तो भाभी, वो ताई जी वाला है, वो भी ताई जी है ना, बोय। अच्छा तो सबको बोल रिश्ते से भाभी बोलना। और ये देखना यहाँ पे पास में भुंगीदार गांव के और सबसे पहले बैठ गए हैं। हाँ वो ची वो प्रदीप है जी, बोय। हाँ अंजिल दीते नहीं पछेड़ना जी, तो बोले जी ना पछड़ा जी मेरा, तुम भी लाओ तो ना, फिर तुम भी लाओ ना ना ना, वो ससुर जी जी बोलो है बड़े जी। लीली जी मैं ना नींद कई बार बोल के आ रही है समझ में, तब सबसे पहले ज्योति खा रही है। ज्योति बड़ी खुशी की बात है, आपको सबसे पहले खाना दिया गया है। कान उड़ जा बढ़िया भाभी, बढ़िया बढ़िया। आज आप अपनी बिटिया को छोड़ के आ गए हैं, पहले पेट दादी के साथ है, दादी के साथ है। और बाकी इधर भल्लू नो खाना, अभी चाखी नहीं है। अच्छा अभी पुराना जी, क्योंकि बड़ा कोप था। अच्छा भाई, अच्छा कड़ी पकौड़ा है, कन उड़ बाट जी खाना, मस्त टेस्टी टेस्टी है बॉडी जी, टेस्टी बने ना, फर्स्ट क्लास एकदम स्वादिष्ट गोलगप्पा। अच्छा गोलगप्पा बढ़िया चाहिए, बस फटाफट खाओ गोलगप्पा, बोलू ना खाना स्वाद है। इन्हें खै दिन की आई पत पत लाइन चाट दी कि थोड़ा जरा थोड़ा साफ चाट दी, हाँ बिल्कुल जरा भी नहीं छुट्टू जाने मन कन उड़ बॉडी मस्त है। अच्छा दीद है तभी क्या होता फिर पछाड़ी नीचे तो। अच्छा दीद बोलो रही अब वो कुड़ी वो तो बहुत बोलो क्या बॉय ना पता नहीं जब बोलो तुम बोल बाद मी को बहुत बोल बस तभी बॉय बोलो तुम को हाँ बोए ठीक छे तो बॉडी बोलो बढ़िया मस्त है टेस्टी टेस्टी है कन उड़ो गोलगप्पा। अच्छा गोलगप्पा गोलगप्पा उन ज्यादा स्वाद चाहिए हाँ बढ़िया तो बस तो दूध खा देनी दादी हाँ ये देते क्या स्वाद लेगा खाना है इधर ओ चश्मिश मैन ठीक हो रहे वो तो शर्म लगनी देख ले और बुढ़ी क्या बुनी चार तुम हम जवान जवान शर्माना जी हैं है भाभी दबा के खाना उकाल भी नापनी है अभी है उकाल नापने के लिए ताकत तो चाहिए है ना है फुल ताकत है स्वाद लेके खाना है भाभी भाभी तो देख ही नहीं रे पत्तल पे नजर है कोई खाना ले है नहीं खाना ना है तुमड़ी ओ बाबू गिलास से छोटी मुख च है तुमड़ी माँ भी शर्माणी तुमड़ी माल भात नहीं खाना ले। अच्छा बड़े जी बन लो ना ठीक हो ना है दादी हाँ बाबा बढ़िया टेस्टी हाँ तुम तो जा तुम को नहीं अच्छा रखी जभी अच्छा तुम्हें जल्द पार्टी तो खाना जी है दादा को खाना जी तुम सब आई है बोड़ी
खाणो जाए नाच बाटक भी खाना चाहिए है देवी दे नाच बस बैठा है चेहरा खाना चाहिए है बोली के बोल मिले पता नहीं जय जय बोलो ना जय जय बोलो ना कोई पानी आ सब बोल अरे नजी गोल तो खाने ही नहीं जाए वे तो तुम अभी किले बैठे अभी मिल ही नहीं खा दो आराम से खान तो ना हां मैं शाम वक्त को आई खानो लो अभी कॉल ढंग अच्छा वो तो लौट गोली का करण है लोअल वे ध्यान जा कौन तो हमारे पहाड़ों में कुछ इस प्रकार से खाया जाता है खाना नीचे बिठा के और नीचे बैठ के खाने में आता है खड़े होने में नहीं आता तो टेबलों में तो शहरों वाली बात हो गई लेकिन पहाड़ों की बात यही है कि सभी लोग नीचे बैठ के खा रहे और सभी लोग मिलजुल के खा रहे तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक लगी है लाइन बाकी कुछ कुछ लोग उधर इंतजार कर रहे हैं और कुछ कुछ लोग वहाँ पे सर्विस पे लगे काम पे तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि कहाँ से जगह मिले अब ये लाइन को तो मिल गया खाना तो अब बीच में बैठना बेकार है तो अभी थोड़ी देर वहाँ साइड से बैठेंगे अभी इतने लोगों को खाने देते हैं नाक मुकर रास्ता नया जी तो यहाँ पे एसआर पहाड़ी भाई मिल गए हमें ये भाई बोला चेयरमैन अच्छा तो चलो एसआर पहाड़ी जी मिल गए हमें हैं तो आप हम हैं यहाँ पे बड़े जी मजाक कर रहे हैं हमारे साथ है बड़े जी तो आप हिमाचल गए थे शादी में हमने सोचा आप वहाँ से लड़की ढूंढ के लाओगे मैं जहाँ भी बोलता हूँ सब मना करते हैं वैसे मैं ढूंढ रही हूँ ये सच्ची बात है और नहीं मिली तो फिर मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा हमारे यहाँ बहुत लड़के आ जाना 14-15 ना तो बिनसर जाने का प्लान बना रहे तो हमें बोल हम बोल रहे हमें भी ले जाना अपने साथ खानो तो खान दिया नहीं यार ना खाई ले तू बोल भी हमारा खान दे भाई बना वीडियो ना ना के भेजी थी खाना खाना के भेजी थी ना ना बोलो गप मना ची तुम छोटा छोटा गप तुम चुपचाप रहो तो आपने इसको मेरे हर हर ब्लॉग में नहीं कभी कभी देखा होगा तो इसका भी यूट्यूब चैनल है वो मैंने आज तक नहीं पता तो अंजलि आप बताएंगे या हम बताए तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंजलि राउत व्लॉग्स तो एक बार जरूर विजिट करें और चैनल को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मत भूलिए तो ये मेरी दगड़ी है इसको इसको जरूर शेयर करें हाँ मैं किस स्कूल में पढ़ते थे बस मतलब मैं एक क्लास छोटी थी इससे पीछे पढ़ती थी बाकी दगड़िया तो है दोस्ती है तो इसके चैनल पे भी जरूर जाना आप लोग और मेरे साथ इसके व्यू भी बढ़ रहा है ना और इसको भी जरूर देखना एक बार क्योंकि वैसे तो हम दोनों कोशिश कर रहे हैं जहाँ भी जाए हम दोनों साथ में जाए और साथ में क्योंकि आसपास हम दोनों ही हैं लड़कियाँ ऐसे ब्लॉग बनाने वाले तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट ट्रिप साथ करने की कोशिश ये करना कि मुझे भी अपने साथ में रखना कहीं भी जाओ तो अरे हम तो आपके साथ हैं आप ले जाओगे हम अपने साथ तो इस बार आपके लिए बिनसर का प्लान करते हैं डिसाइड तो बता देना 14 तारीख को बिनसर का मेला होने वाला है तो हम सभी जाएंगे इधर से हमें जरूर बुलाना और उन्होंने मुझे सजेशन किया है बल यूट्यूब चैनल का नाम बदलो है हाँ। बदलना वैसे बदल दे अच्छा ठीक है ऐसा ना हो कि जब बाद में बड़ा हो जाएगा भाई तो वो चल जाए कहीं ऐसा ना हम घर में आप सीधे वही तो हमें ब्लॉग ही दिख रहा है सीधा 8-9 तारीख को एक बार फोन मैसेज कर देना या मिलेंगे 10 तारीख से वहाँ पे यात्रा शुरू है क्योंकि मूर्ति स्थापना होगी 10 से 14 के आसपास आपका ये वहाँ पे मेला लगता है हर साल इगास को मेला लगता है यानी कि इगास के 3 दिन बाद मेला लगता है इस बार हमारा डन हो चुका है ठीक है तो हमें ले जाना हम आपके सारे हैं मैं और अंजलि वही मिलेंगे अभी दिन के 3 बज रहे और 3 बजे मैं घर में पहुंच गई हूँ तो 11:30 बजे गए थे हम घर से और 3 बजे मैं घर में पहुंच गई और भाभी लोग थोड़ा मेरे से पहले आ गए थे मैंने बोला आप लोग रास्ते लोग क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और उनको घर जल्दी आना था तो मैंने बोला आप रास्ते लोग और मैं भी आपके पीछे पीछे आती हूँ तो 5 मिनट पहले पहुंचे थे मेरे से घर में और 3 बजे मैं भी पहुंच गई तो अब घास काटने जाएंगे और बाकी उससे पहले जो हम बिनसर जाने का प्लान बोल रहे थे तो वो उसी दिन देखेंगे क्योंकि वो लोग मतलब एसआर पहाड़ी लोग बोल रहे थे कि हम लोग जाएंगे बिनसर तो तब मैंने और अंजलि ने बोला कि हमें भी ले जाना अपने साथ बाकी वो तो बाद में देखेंगे जाएंगे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी से
से बोल के कुछ फायदा नहीं, वो उसी दिन देखेंगे क्योंकि पक्का नहीं है, वो तभी मेरे घर वाले बताएंगे कि मैं जाऊं या ना जाऊं, वो उसी दिन बताएंगे। तो बाकी बहुत मजा आया वहां पे, बहुत अच्छा लगा, इतने सारे लोग मिले और इतने अच्छे अच्छे से उन्होंने बातें की और अच्छा मजाक हुआ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, धन्यवाद।